दोस्तों चलिए यहाँ पर बात करेंगे कैमरून वर्सेस माली के बीच जो यह मुकाबला खेला जाएगा काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा दिलचस्प ये हो सकता है कि कल आपने देखा होगा झारखंड में नेटवर्क इशू था सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर। अगर यदि आज भी अगर यदि सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर नेटवर्क बंद रहता है तो मैं शायद इनका फाइनल टीम नहीं दे पाऊँगा। हालांकि सुबह अभी अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओडीडी का मैच था उसमें मैंने फाइनल टीम दिया क्योंकि नेटवर्क की कोई इशू नहीं था। तो वैसे आपको पता चल जाएगा मैच स्टार्ट से आधा घंटा पहले हो 10 मिनट 20 मिनट पहले हो मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा कुछ भी, तो आपको समझ में आ जाएगा नेटवर्क है। और अगर यदि मैं कुछ भी अपडेट ना कर पाऊँ तो समझ जाना नेटवर्क की इशू है, फाइनल टीम नहीं भी आ सकती है। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा हमारे ऊपर। तो मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हो तो काफ़ी दिलचस्प आप रिजल्ट ले सकते हो, क्योंकि इनके लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहीं पे मैं फाइनल टीम देता हूँ जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ। इनके अलावा जीएल का टीम पिच रिपोर्ट प्लेइंग 11 यानी एक शानदार टीम बनाने में जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है मेरे भाई सारा कुछ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है जी हाँ मेरे भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो था वहाँ पर लिंक होगा, ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84 उसी पर क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल 54,000 प्लस लोग जुड़े हैं। आप भी यहाँ पर आसानी से जुड़ोगे बिल्कुल फ्री में, टीम वगैरह हर अपडेट लेकर जा सकते हो। सबसे पहले मेरे भाई दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें, दोनों टीम आपस में जो एक मुकाबला खेला था यहाँ पर कैमरून की टीम जो है 144 रन बनाती है 5 विकेट के नुकसान पे। बी टॉपे की बात की 28 कमाल का ऑलराउंडर कैप्टन बीसी का, इनसे बड़ा ऑप्शन कोई नहीं होना चाहिए। आइड्रिस की बात की ये 26 का योगदान देता है, आर अमा की बात की ये 12, इनके अलावे के जाधव की बात की जाए 22 का योगदान देता है जी, अभी का ये भी एक कमाल का ऑलराउंडर है एबुगा। इनके अलावे यहाँ से देखा जाए सामने की गेंदबाजी में यहाँ से देखोगे मेरे भाई टी मकलाऊ की बात के 3 सफलता ले गए, डाइबी की बात के एम डाइबी 1 सफलता ले गया, बाकी माली के बल्लेबाजी में एम डाइबी ने ही 31 का योगदान दिया, बाकी इनके विकेट कीपर ने 22, गेंदबाजी में बी टाउबे 3 सफलता ले गया, डी लुइस की बात की जाए इन्होंने 2 सफलता ले गया, रोगर ने भी 2 ही ओवर डाला 2 ले गए। तो इस प्रकार से यहाँ से रहा था दोनों के बीच जब मुकाबला हुआ था, यह मुकाबला हुआ था 2023 में 7 दिसंबर को। तो भाई माली अपना लास्ट मुकाबला तंजानिया के खिलाफ खेल गया जहाँ पर इन्होंने 18 पे ऑल आउट हो गया था और गेंदबाजी इस प्रकार से रहा था 1 ही ओवर में मैच फिनिश। वहीं बात करें माली का दूसरा मुकाबला जो था यहाँ पर भी ये काफ़ी सस्ते में निपट जाता है, कोई बल्लेबाज दोहरे अंक पे नहीं जाता है, हालांकि गेंदबाजी इनका ठीक ठाक रहता है, डाइबी 1 विकेट जरूर लेके एस एम डाइबी एस डाइबी दोनों ने 1-1 सफलता ले गया। कैमरून की टीम जो कल ही खेला यहाँ पर देख सकते हो कैमरून का भी टीम यहाँ से दोहरे अंक पर नहीं जा पाया और सामने की टीम को विकेट दिया गया, लेकिन बी टॉपे 1 विकेट ले गया और लुइस को 1 सफलता मिला था। हालांकि यहाँ पर देखोगे कैमरून काफ़ी सस्ते में निपट गया, लेकिन सामने माली की टीम के सामने ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपको करते हुए नज़र आने वाला है जी हाँ मेरे भाई। ऐसे मैच में वीडियो कॉम्बिनेशन के जरिए समझना ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ वो भी शानदार तरीका से। अब देखो यहाँ से ट्रेडिंग करना चाहते हो जो भी करना चाहते हो, कैमरून की टीम विन करेगा, बी टॉपे डी लुइस यहाँ से आना चाहिए, इनके अलावा एंटंगाना यहाँ से आना चाहिए, इनके अलावा जे अबीगा यहाँ से आना चाहिए, टॉपे जो कि पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करेगा विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल रहा है, बाकी इनका एक ओपनर यहाँ से भी टच काउक यहाँ से मैंने पिक कर लिया, इस प्रकार से हमारा टीम हो गया। बाकी याद रखना जितने भी गेंदबाज इनका खेलेगा सब हमारे टीम पे होना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए ये 1 डाउन आता है लेकिन पार्ट टाइम गेंदबाजी करता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या ये टीम के लिए बढ़िया साबित हो सकता है या फिर नहीं।
तो मेरे भाई यहाँ पर देखो कुल मिलाकर आपको चार प्रॉपर गेंदबाज जो कि आपको डालते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी गेंदबाजी कर जाता है, इनके अलावा इनका भी चांस रहेगा, साथ ही वन डाउन तो आ ही जाएगा, तो हमें लगता है इतना सारा ले लेना चाहिए। अब सामने की टीम की तरफ देखा जाए, पुनः माली का जो चार प्लेयर पिक करो यानी ये गेंदबाजी कर सकता है, इनके अलावा ये गेंदबाजी कर सकता है, बाकी किन्हीं के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा किनके ऊपर चलना चाहिए। हालांकि यहाँ से एक और ओडोंडर के ऊपर ले लूँ क्योंकि माली की टीम उतना खास है नहीं, हालांकि माली की टीम पहले गेंदबाजी करेगी तो फिर उनके लगभग सारे गेंदबाज खास हो जाएंगे, तो याद रखना इस प्रकार से टीम बनता है हमारा। अगर यदि माली की टीम पहले गेंदबाजी करे तो चार गेंदबाज में पिक किया उन्हें एक और गेंदबाज ले सकते हो कि नहीं, एक को ड्रॉप करके, इनको ड्रॉप करके उनका एक्स्ट्रा एक और गेंदबाज जो खेले उनको ले लेना है, यानी कहने का मतलब माली की टीम पहले गेंदबाजी करेगा तो उनका पाँच के पाँच गेंदबाज और सामने वाले टीम का सात प्लेयर ले लेना है, गेंदबाज प्लस ओपनर। इनके अलावे अगर यदि माली की टीम पहले बल्लेबाजी करे तो उनका एक प्लेयर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी सस्ते में नहीं पट सकता है, तो इन बातों को ध्यान रखना, काफ़ी वन साइडेड टीम बन सकता है। कैमरून के विन करने के चांस बहुत अधिक है, कैप्टन की बात करें कैप्टन का ये बढ़िया ऑप्शन रहेगा, बीसी अब किन्हीं के ऊपर जा सकते हो, वैसे बीसी का बढ़िया चॉइस ये है। तो फिलहाल के लिए मेरे भाई वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट अच्छा जाए, आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो। और दूसरा तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि नेटवर्क का इश्यू आने वाला है आज भी हमारे क्षेत्र में, तो फाइनल टीम आने की संभावना कम रहेगा।